बता, आज बताती है कि पुलिस को बुलाओ? नहीं, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आई थी। अच्छा, और तेरा और जेठा का क्या रिश्ता है? नहीं, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तेरे पास तो है ना ये सबूत, फोटो? वो फोटो झूठी है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। माफ कर दीजिए? ऐसे कैसे माफ कर दीजिए? तूने मेरा पूरा संडे बिगाड़ा है। अरे संडे क्या, तू तो मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ने वाली थी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी वापस। ठीक है, नहीं बुलाता हूँ। चल निकल 10 लाख रुपए। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? नहीं बापूजी, ये संस्कार इसने मुझे दिए। क्या? अंदर मुझे बेडरूम में ये मुझे मांग रही थी। कह रही थी 10 लाख मुझे दे दो तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी ये। ए बबूचा, तो तेरे में और इसमें फर्क क्या? बापूजी, ये लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ। चुप रे। अरे ऐसे किसी के संसार में आग लगाना कोई अच्छी बात है? है? ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए तूने ऐसी ओछी हरकत की? बापूजी आप मत समझाइए, ऐसे लोगों को तो पुलिस ही बराबर समझा सकती है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन टप्पू, तूने बापूजी को कब अपने साथ ले लिया? अरे मम्मी, आपको मेरी और दादाजी की दोस्ती नहीं पता? बस एक इशारा किया और दादाजी समझ गए। और तुम्हारे पापा ने मुझे इशारा ही नहीं, चिल्ला चिल्ला कर समझाया, पर मैं डोबी कुछ समझी ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जेठालाल, और जेठालाल, ये स्टॉक मार्केट कब ऊपर उठेगा यार? तुमको मैं क्या स्टॉक मार्केट उठाने वाला हमाल लगता हूँ? भाई बहुत परेशान लग रहे हो, बात क्या है? मैं अमेरिका का इलेक्शन हार गया ना, इसलिए।